एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में अब हम बात करेंगे जो हमने लेबर इंस्पेक्टर का ऑलरेडी टू पार्ट्स डिस्कस कर दिए ये लास्ट पार्ट बचा है हमारा तो इसमें हम आपकी जनरल साइंस से स्टार्ट करेंगे एंड इसमें आपका हिमाचल जी के रीजनिंग भी इसमें आ जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन भी इसी पार्ट में आ जाएगा पिछले वाला जो सेक्शन था आपका वो सोशल साइंस का सेक्शन था आपका ठीक है और उससे पहले जो था वो इंडियन जी का पार्ट था सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस वट इज़ द ट्रू अबाउट वायरसेज विदाउट एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी नहीं होनी चाहिए तो इसका जो राइट right आंसर है वो क्या है डी वाला इसका राइट right ऑप्शन है दे कैन दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होल सेल ठीक है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि अगर आपको होल सेल मिलेगा तभी वो मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं द प्लांट फ्राम विच कोकोआ एंड चॉकलेट आर ऑप्टेंड इज तो किस से ऑप्टेंड होती है वो सी स्मॉल ट्री इज दी राइट आंसर क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न विद चीज से कंसर्न है वो आपकी डी प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी क्योर्ड बाय तो किस चीज़ से क्योर्ड की जा सकती है वो बाय एक्सपोजिंग द इफेक्टिव पर्सन टू फ्रेश ऑक्सीजन इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे जीरो फिथेलमिया इज कॉज्ड बाय तो ये किस चीज़ से कॉज की जाती है आपको पता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है डी के डेफिशिएंसी से रिकेट होती है एंड के की आपकी ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है सी ये जो है आपको ये डिफिशेंसीज एंड आपके जो इनके कॉमन नेम है एंड इनके जो साइंटिफिक नेम है तो आपको केमिकल नेम जिनको बोलते हैं वो सारी इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनी है आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी ये हमने सिक्स क्लास के चैप्टर में जो सिक्स क्लास एन सीरीज थी वहाँ पर ये कवर किया है तो आप इसको देख सकते हैं नाउ वट इज़ द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन एडल्ट हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है ह्यूमन हार्ट से उसमें

इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन टू two... शर्ट और इंसुलेटर क्या करता है आपकी हीट को ऑब्जर्व करता है नेक्स्ट बात करेंगे रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू तो ये किस वजह से फॉर्म होता है आपका रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंसिस ऑन रेनी डेज बिकॉज क्यों क्योंकि जो आपकी साउंड होती है वो फास्ट ट्रैवल करती है बी सॉरी बी इज़ दी राइट आंसर साउंड क्या होती है फास्ट ट्रैवल करती है इन मॉइस्ट एयर तो वन का बी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट है नेक्स्ट हैच इज यूज एज अल्ट इन अटोमिक रेडिएटर तो किस, किस किसको यूज किया जाता है ए वॉटर को यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका शॉक ऑब्जर्वर आर यूजली मेड अप ऑफ स्टील क्यों क्यों यूज़ किया जाता है उसको क्योंकि इसमें क्या होती है इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है नेक्स्ट है वट परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एच पी इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज तो कितना है आपका हिमाचल जी के यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये कितना है आपका ज़ीरो पॉइंट फाइव सेवन परसेंट नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज असेंबली जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कौन सी है आपकी बी लाहौल स्पीति सॉरी सी लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे विच माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद भरमौर तो कौन सा दो आपका दोरा सिंगूर पास एंड आपका इंद्र इंद्रहार पास जो है बोथ वो कनेक्ट करता है आपके कांगड़ा और भरमौर को ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे लुनानी जो आपका कोल्ड वाटर स्प्रिंग है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेगा ये ए कांगड़ा इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे दामी वैली इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आपके बिलासपुर में है ए इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट है श्रिंक टिंकू डिंगू जो आपका वो है आ, लेक है इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कहाँ है वो आपका डी कुल्लू इज द राइट आंसर द कैपिटल ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस तो किस प्लेस में इसको लोकेट किया गया है वो आपको पता था इस ये इसका जो राइट आंसर है वो है कमरू नेक्स्ट है आपका द लास्ट रूलर ऑफ भगाट डोमिनन वॉज तो uh, उसका कौन है आपका लास्ट रूलर तो वो है आपका दुर्गा सिंह इज दी राइट आंसर सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट है आपका द ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर इज ब्यासपुर ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है धौलाधार माउंटेन इज पॉपुलरली नोन एज तो क्या बोला जाता है आपको पता है उसको मौलक पर्वत बोला जाता है विच टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो इसका आंसर है सी हंडिम्बा देवी टेम्पल नेक्स्ट है भाई दो ना पाई दो स्लोगन वाज रिलीज्ड बाय विच मूवमेंट ऑफ इन एचपी तो किस आपकी पंचौता मूवमेंट से ये स्लोगन रेस किया गया था ऑन जनवरी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन फोर्टी एट हु हेडेड द इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इन एच तो किसने किया था इसका आंसर है बी शिवानंद रमोल ने किया था ये Uh, आपकी गवर्नमेंट को हेड नेक्स्ट है विच क्रिकेटर ऑफ हिमाचल प्रदेश मेड द रिकवरी सॉरी मेड द रिकॉर्ड बाय स्टेइंग एट द बैटिंग क्रीज फॉर वन थाउजेंड सेवेंटीन मिनट तो कौन है आपके राजीव नैयर इज द राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वो कहाँ हैं हमीरपुर में है नेक्स्ट है विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन एच पी तो कौन है एस जे वी एन एल इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट बात करेंगे इन विच ईयर वॉज स्वर्णा जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च कब की गई थी वो आपकी बी 1999 टू 2000 के बीच में उसको लॉन्च किया गया था नेक्स्ट चांद एंड चाबू आ द फोक डांस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो डी लाहौल स्पीति इज दी राइट आंसर नेक्स्ट बात करेंगे गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश आपके कैलोंग में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आपकी लाहौल स्पीति रहेगी इसकी डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट है आपका फेमस रेवोल्यूशनरी राइटर श्री यशपाल शर्मा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके ए हमीरपुर इज द राइट आंसर एज कॉन्कनी अब आपके रीजनिंग पार्ट आ जाता है एज कॉन्कनी इज़ रिलेटेड टू गोवा सेम पे डोगरी इज़ रिलेटेड टू योर जम्मू एंड कश्मीर ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे इफ़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर्स इन द वर्ड कम्युनिकेशन्स आ वर्ड इंटरचेंज ऑल्सो थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स फिफ्थ एंड सिक्स लेटर्स एंड सो ऑन विच लेटर वुड बी टेंथ लेटर काउंटिंग फ्राम योर राइट राइट से काउंटिंग आउट कर स्टार्ट करनी है आपको तो क्या होगा आपका इसका आंसर इसका आंसर होगा डी एन विल बी द योर टेंथ लेटर नेक्स्ट है इफ इन अर्टन कोड डी आई के डिकसन डिनसन इज रिटर्न एज थ्री फाइव सेवन नाइन फाइव जीरो टू वन जीरो एंड डी आई पी पी इज रिटर्न एज थ्री फाइव सिक्स देन हाउ विल यू राइट पिकनिक विल बी रिटर्न इन दिस सेम कोर्ट तो पिकनिक किस किस उसमें लिखा जाएगा आपका तो इसका आंसर होगा बी सिक्स फाइव सेवन जीरो फाइव सेवन नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे सॉरी थोड़ी गड़बड़ गई थी विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़ सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स तो कौन सा आएगा आपका नेक्स्ट नंबर इस सीरीज़ में वो आएगा आपका बी एटी वन एटी वन विल कम इन दिस सीरीज़ ठीक है हाउ मैनी सिक्स आर फॉलोड बाई नाइन्स एज वेल एज प्रिसडेड बाई नाइन्स इन द फॉलोइंग सेट फिगर्स तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी ठीक है दो इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है देर आर सिक्स मेंबर्स इन अ फैमिली ए इज़ द फादर ऑफ डी ई इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ डी बी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ सी एफ इज द अंकल ऑफ डी वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ तो इनके बीच का क्या है आपका इसका जो आंसर रहेगा वो डेटा इज इनइक्ट क्योंकि ऐसा कोई भी इनका रिलेशन नहीं आता ठीक है इफ पी मीन्स प्लस क्यू मीन्स मल्टीप्लाई आर मीन्स डिवाइड एस मीन्स सब्ट्रैक्ट देन देन तो आपको इसको सोल्व करना है एंड देन योर आंसर विल कम इसका जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो होगा ट्वेंटी फिफ्थ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका राकेश लीव हिज हाउस ही वॉक्स टेन किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट देन ट्वेंटी मीटर सॉरी टेन मीटर नॉर्थ वेस्ट देन ट्वेंटी मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन नेक्स्ट ही मूव्स ट्वेंटी मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फाइनली ही टर्न्स टू हिज हाउस इन विच डायरेक्शन इज राकेश कोइंग इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्थ ईस्ट डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट बात करेंगे द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे इन ईयर टू थाउजेंड एट आउट ऑफ विच डे will it be celebrated in 2020 uh, sorry 2012 so, iska job kancharheka will be wednesday next have five boys a b c d e and e are standing in a row d is on the right of e b is on the left of e but on the right of a b is on the left of c who is standing on the extreme right who is standing in the middle तो एक्सट्रीम राइट हु स्टैंडिंग इन द मिडल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ई e. ठीक है नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मोबाइल वैन धन धनवंतरी धन, धन, रथ प्रोवाइडिंग एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस टू द पीपल तो किसने की गई है आपके गुजरात द्वारा ये इंडियन स्टेट जो है गुजरात द्वारा ये स्टार्ट की गई है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज रिसेंटली लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड इट्स बिटवीन यू इट्स बिटवीन यू इन इंडिया तो किसने स्टार्ट किया है आपके व्हाट्सएप ने ये स्टार्ट किया है अ प्लेस कॉल नीमू नीम नीमू विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेट इन ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तो ए इन दिस रिवर इज द राइट आंसर स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड एक्सक्लुसिव प्रिंस आट दलुसिव प्रिंस आट द रिस डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ द किसकी है ये बटरफ्लाई की स्पीशीज है

राइट ऑप्शन नेक्स्ट है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 20 इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। तो क्या है आपका ये कितने टाइम का है ये सेवन इयर्स का है ठीक है सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट स्पेस एजेंसी नासा हैज रिसेंटली अनाउंस to rename its headquarters after which American engineer तो किसके after वो है आपका A Mary W Jackson ठीक है next है आपका खुशीनगर airport which has recently been declared as international airport is located in which Indian state तो कहाँ है वो आपका वो है आपका A उत्तर प्रदेश में next है the Indian Pavilion

नेक्स्ट है सिनोनम बताना है आपको ग्रूसम का तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फ्राइटफुल सिनम मतलब सेम मीनिंग्स इंटोनम एमिनिस्टी का तो इसका आपका रहेगा पनिशमेंट नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो इसमें आपका डी राइट रहेगा इंडिजीनियस का नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट एनी गुड रीजन तो वो क्या होता है आपका वो होता है आपका डी राइट ऑप्शन है नेक्स्ट है द मीनिंग आपको इस ई का मीनिंग बताना है टू सेट दीपल बायर्स तो ये क्या करना है आपको टू क्या करना होता है इसका मतलब होता है to the people, to quarrel, लड़ाई करवाना किसी के बीच में ठीक है नेक्स्ट आपको डायरेक्शंस दिए हैं 156 से 160 सिक्सटी क्वेश्चन के लिए कि आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढना है इसके लिए ही नॉट लाइक डैश बेटर तो ही डज नॉट लाइक इसका जो आपका आंसर रहेगा वो है सी मी माय डूइंग बेटर इसमें सी जो आपका आंसर की दी गई है उसमें जो आपका आंसर दिया गया है वो सी दिया गया है तो मेरे हिसाब से मी डूइंग बेटर होगा माई डूइंग बेटर नहीं होगा बाकी आपने अगर आंसर की गलत भी हो सकती है तो अगर आप इसको चैलेंज कर सकते हो तो आप इस अगर आपको लगता है ए ठीक है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो इट इज़ बेटर टू सेंड डैश द डॉक्टर तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वन का वो रहेगा सी वन का सी रहेगा for the doctor. Next है, we must wait until the invigilator dash the question papers to kya kar sakta हैं? Until the invigilator kya gives the paper? theek hai He decided to dash his affair before leaving the country to isme kya hoga Wind up दिया गया है आपके answer जो आपके answer किया है उसमें wind up दिया गया है. Next question है. I did dash I could uh, which wasn't much तो I did what वट बी इज द राइट आंसर शुभ शब्द निकालना है आपको इसमें तो इसका जो आपका शुभ शब्द निकलेगा शब्द निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका ये ठीक है नेक्स्ट है पावर का संधि विषेध करना है तो आपका इसका जो आंसर है वो भी डी है डी है नेक्स्ट है चाक का तत्सम है तो क्या है आपका चाक चाक का तप, तत्सम तो वो है आपका सी नेक्स्ट है सुस्त सूत सॉरी सूत क्या स्त्रीलिंग बताना है आपको तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी नेक्स्ट नारी का बहुवचन क्या रहेगा तो नारिया रहेगा इसका बहुवचन मतलब इसका रहेगा आपका बी नेक्स्ट है कर्महीन में समास है तो क्या समास है आपका कर्महीन में तो इसका ये है ठीक है नेक्स्ट है गुरु की भाववाचक संध्या बतानी है आपको तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो गुनी रहेगा देन आपका है गुन की सॉरी गुरुनी सॉरी 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 वन सिक्सटी सेवन्थ का गौर रहेगा गुरु की भाववाचक संज्ञा एंड आपके गुण का विशेषण बताना है तो उसका रहेगा आपका गुणी नेक्स्ट आपका वन सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो सावधान का उपसर्ग बताना है तो उसमें आपका जो उपसर्ग रहेगा वो भी क्या रहेगा इसका आंसर भी क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा स ठीक है ए इसका रहेगा और हिम में आपका जो प्रायवाची रहेगा तो उसका प्रायवाची क्या रहेगा तुषार रहेगा ठीक है तो ये था आपका जो लेबल इंस्पेक्टर का एग्जाम कब हुआ था आपका थर्ड जनवरी को हुआ था एंड ये आपका थर्ड पार्ट था ऑलरेडी टू पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं दैट्स ऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू